गुड़े राउंड गुड़ी थी पाखे अधिक संख्यक जदिव से छटा थी आधिक संख्यक से चाहते जबत्य भंडा भी भांग ये करते अनेक लोक हत्या करता से देखा जा पुलिस धरी ना धरी जो साधारण लोक से साधारण लोक धरवा पूर्व से पुलिस मैंने करते कौन ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी पक्षर आज जो सांबादिक सम्मेलनी आपण मैंने जो मैंने जोग देते आपण मानक स्वागत कर आज एक अत्यंत संवेदनशील एवं गंभीर घटना को लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमिटी पक्षर आमे सांबादिक सम्मेलनी आह्वान करिछु मो सहित अच्छा ओडिशा पूर्वतन अर्थमंत्री विशिष्ट कांग्रेस नेता श्रीयुक्त पंचानन कानून जो घटना विषय आमे आज सांबादिक सम्मेलनी डाकिछु से विषय श्रीयुक्त पंचानन कानून को आपण मानक सविशेष भाव व्याख्या करिबे तांकर कथा रखिबे आपण माने समस्त जानिछन्ति ओडिशा रे ओडिशा इतिहास पूर्वरु एभली घटना केबे आमे देखि नथिलु जहाँ गत परदिन ओडिशावासी देखिले जड़े कैबिनेट मंत्री तांकु जड़े पुलिस कर्मचारी हत्या कला एहा ओडिशा इतिहास विरल खाली नुह आगर के देखा दे कांग्रेस दल पक्षर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नव दास जो वियोग एमें गभर भाव में मर्माहत आम शोक प्रस्ताव करुचु गोटे प्रश्नवाची जो गोटे दिन आगे कहीं दिगला ये बंदूक कहीं दिगला रिवल्वर कहीं दिगला किए दे कहीं एक्शन नि जाऊन आज पर्यटन मत कौन इंटेलिजेंस फेल्योर है जो मान जहाँ इंटेलिजेंस फेल्योर है एक्शन है कि कौटे गले डीजी मुह कहीं खोल ना गृहमंत्री जो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कहीं मुह खोल ना ये प्रश्न ओडिशावासी करेंगे निश्चित हम कहले कौन क्राइम ब्रांच तदंत हम क्राइम ब्रांच तदंत क्राइम को क्राइम पचार रहस्य को उन्मोचन कर अनेक प्रमाण अच्छी जो घटना नव दास हत्या घटना पुणी क्राइम ब्रांच को देखी क्राइम को आहरी सप्रेस करदे क्राइम पचर जो सत्यता अच्छी ढाकवाई ये गोटे चक्रांत हाइकोर्ट को कहते कौन हाइकोर्ट आप हाइकोर्ट को लिखुं चिठी जे आप तदारख कर कौन पाई आम दावी एसआईटी तदंत हो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हो एवं हाइकोर्ट जड़े सिटिंग जज करूँ ता न करी क्राइम ब्रांच मध्यम क्या दायित्व दूसरी आप जो लोक परिघटना को सप्रेस कला आज पर्यटन ओडिशावासी परिघटन स्पष्ट चित्र पाइले ना जो लोक से दायी आई लोक बर्तमान नव दास मृत्यु घटनार गुलिकांड घटनार सी तदंत करेंगे ता अर्थ हूँ सरकार जाशु चाहते यो चक्रांत पक्ष जहाँ सब सत्यता अच्छी सप्रेस करने लुचे दवापी जहाँ कहले पंचायत कानून महोदय कांग्रेस दल स्पष्ट भाव कह चाहे ये एक मामूली हत्याकांड नुह या पक्षरे गभर षड़ लुचिक अच्छी षड़ी मैंने टप पोजिशन अच्छा ओडिशा शासन रुठ टप पोजिशन जो मैंने अच्छा से मैंने षड़ लिप्त अच्छा एक कांग्रेस दल स्पष्ट भाव कह चाहे कांग्रेस दल मत कह चाहे जो प्रश्न गुड़िक कले आम आउ गोटे प्रश्न करने को चाहूँ मुख्यमंत्री महोदय को आज 48 घंटा है नव दास को हत्या कर 48 घंटा भितर
जनक विरुद्ध कहीं पारे ना एक्शन आम प्रश्न करने को चाहू डीजे कहीं मुह कर आम प्रश्न करने को चाहू मुख्यमंत्री मु हतबम कही ओडिशावासी को हतबम करूँ ना यदि नैतिकता बोली भावुंट आपंट गृहमंत्री आपण डिपार्टमेंट फेलियर आपण गोटे कैबिनेट कली ही हैज बीन मर्डर आपण नैतिक दायित्व हूँ यही जो घटनार जो मैंने उत्तरदायी हो कि आप स्टेप डाउन करवा उचित आपण आपण पदवी को पदवी ओहर जावा उचित मुख्यमंत्री पद से रहा किंतु गृहमंत्री पदर आप इस्तफा दिंतु ये हूँ आप मिनिमम नैतिक दायित्व नैतिक कर्तव्य एक आम कह चाहूर जड़े कैबिनेट मंत्री एवं तांकु हत्या करुछि जड़े गृह विभाग कर्मचारी एवं इंटेलिजेंस फेल्युअर होउछि एवं आज पर्यंत मुख्यमंत्री तांकर स्पष्ट भाव में कहूनाहांती नीरव रहउछंती किछि कथा कहूनाहांती ए घटना को लेकिन ये ओडिशावासी को गोटे संदेहर बलय भितर रखी जहाँ अत्यंत दुर्भाग्यजनक मु पंचानन बाबू को अनुरोध करी ये घटना उपर कथा रखिए आपण मान आम प्रश्न आशा करूँ जे घटना को लेकिन अनुरोध पंचानन कानून का महोदय कथा रखे ओडिशार मुख्यमंत्री अत्यंत शांत स्वभाव ये प्रचार आम गत 25 वर्ष धरिक शुणी आसी आम शासन हो शासन दल हो राजनैतिक दल हो कि शासन अच्छा तरफ ये प्रचार चल कि ओडिशा इतिहास केपरी घटी ना कैबिनेट जड़े उच्च क्षमता संपन्न मंत्री तो पुलिस सरकार पुलिस हत्या आम लक्ष्य कलु जे सभा को जामा पड़ी फुलमा पड़ी ओल्हला बेलू पाखे तीन फुट चार फुट दूर हत्या करा ये हत्याकांड को वर्तमान गोटे पगल हत्या बोल कर चित्रित करने फल आम समस्त को आचंबित कर मुख्यमंत्री तो कहले मुझ आश्चर्य आचंबित मृत्यु मुझे आचंबित आश्चर्य हो जड़े मुंड खराब या रोगी जहाँ को बर्तमान कहगला मानसिक ये ना संबल ना किपर भाव से छड़ा जाता और किपर भाव से दायित्व में पुलिस विभाग में चाकिल करूँगा समस्त को आचंबित आश्चर्य कर प्रश्न उठू लोक आउ के व्यवहार करना तो तार असंतुलन भाव को देखिकी व्यवहार करायदा उठेपाई कि नवदास को हत्या करना तो नवदास हत्या कांड पचरे आज पर्यंत 36 घंटार ऊर्ध हो गला पुलिस कहीपना कारण केवल चली वर्तमान सुधा जे से गोटे डाक्तर पाखे चिकित्सा होता मानसिक संतुलन नाला एवं मानसिक रोगी से सी निजे भी डाक्तर जन कहले कहले हटात बाहरी आसे ये कथा स्त्री को मुहर कहगला स्त्री कहले डाक्तर जन भी कहले हाँ से होता मो पा 8-10 वर्ष ते मो पाखे चिकित्सित आम यही सतट प्रश्न आम मन को आसुच्छे गोटे दुटी नुहे ये सतट जाक प्रश्न आशा करी मुख्यमंत्री घर विभाग मुख्य सेक्रेटरी हूँ चीफ सेक्रेटरी हूँ होम सेक्रेटरी हूँ होम सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी डीजी हूँ एम सामना को आने दरकार नीरव रही क्षमा दब नहीं ओडिशा बच्चे छाड़देवे ना नवदास कथा प्रश्न नुहे प्रश्न हूँ देश राज्यर सुरक्षा देश प्रश्न हूँ ये राज्यर पुलिस बाहन व्यवहार व कार्य कारण मुझे दिन में कथा कह 700 ऊर्ध लोक कौटी मान जेलखाना भितर थाना भितर
हत्या करीस से तथ्य मो पाखे आस पहुँची आउ गोटे दिन व्यवस्था एवं यही तथ्यटी यही कथी आसला बेले आम प्रथम प्रश्न हूँ उत्तर रखे मानवर मुख्यमंत्री से तो उत्तर रखार पाखे ना हटात मैंने से भाव मानसिकता नु विभाग तरफ जड़े क्या निर्देश देवे जे मुख्यमंत्री निर्देश रे ये कथा उत्तर रखा जा प्रथम प्रश्नटी हूँ जे ये लोकटी के चिकित्सित होता ता होम डिपार्टमेंट को जनईला ना जिते कौन मानसिक रोगी आक्रांत हमें मानसिक आक्रांत हमें से विभाग उच्च पदस्थ को से जनवर कथा एवं विशेष भाव सिक्यूरीटी गार्ड से थे सिक्यूरीटी भी थे पुलिस मंत्री सिक्यूरीटी मुझे थी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमिटर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री थी ए राज्य अर्थमंत्री भाव सीना समस्त जानते कि मुझे बास्तव में दीर्घ दिन धरी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे से पार्लियामेंट्री अफेयर्स कार्य हूँ मंत्री मानक जोगेला बेले पीएसओ जोगातु प्राइवेट सेक्रेटरी जोगातु जहाँ जोगे दिजिव विषय अतीत विषय ओर अबाउट कौन कौन घटना अतीत घटना एगुड़ी संग्रह करपर भाव में सुचित भाव में रखा जाए मैंने जदि कौन मंत्री राजी नहले से निज लेखार लिखे निज हाथ लिखिकी दे मो निज तरफ प्रपोज करपर भाव ये जिते बड़े नव दास पहुँची थे मंत्री पाखे थे से मैंने सिक्यूरीटी सी दौले ना सिक्यूरीटी विभाग तरफ दिखाला एक नंबर दु प्रश्न नंबर तीन प्रश्न जो डाक्तर कहते मुझे चिकित्सा करी मुझे भूलीगली दस वर्ष तले भूलीगली सी के भल है फिटनेस सर्टिफिकेट दे कारण आम समस्ते जाचे जे आम जदि कौटी चाकरी अच्छे जब देह खराब है तेल गोटे फिटनेस सर्टिफिकेट आम देखा पड़ो फिटनेस सर्टिफिकेट दे आम पुणी जग दू से छुट्टी नहीं कहीपरि नहीं से मानसिक विकृत अवस्था पुलिस विभाग से रही चाकरी एत बड़ विड़म्बित मैंने सांघातिक कथा ओडिशा भारत वर्ष आपको देख शिख नवीन पट्टनायक शिखुच्छी भारत वर्ष अनेक कथ आपको भी शिख जे पागल मुंड खराब होता मस्तिष्क ये विभ्रांति सठिक मानसिक अवस्था ना लोक मानक पुलिस विभाग में सैन्य विभाग में चाकर दि जाऊँगी एगुड़ा तो देखिए अर्थ तो शिखे से दृष्टि तृतीय प्रश्न हूँ से जो डाक्तर आपको चिकित्सा करिप्सन देखते प्रेसक्रिप्सन अनुसार कौ कौ डाक्तरखाना से औषध खाऊ कौ डाक्तरखाना कौ मेडिसीन दुकान रु औषध दुकान औषध किणुले से सब रखे से सरकारी कर्मचारी आपको देने रिइंबर्समेंट हे से गुड़िक साधारण प्रड्यूस होगा दरकार साधारण गोचर पर साधारण लोक जानापी आपको आसवा दरकार सामना को आसवा दरकार पंचम प्रश्न हूँ जे तत्णत स्त्री कही टे मानसिक से एक आगु क्या जनईले कि पुलिस अधिकारी सेमती लेखिकी क्या जनईले जे मोर एपर भाव से कथा जनईले कि आज नवदास नवदास आम जड़े बंधु यही दल कांग्रेस दल थे जो था ना कहीं पर कैसे दुख में कैसे कष्ट आज पड़ते तार झी पुह स्त्री मानने जो अवस्था पड़ते से अवस्था को जी सृष्टि कर जो मैंने सृष्टि करे तो नुह जो मैंने सृष्टि करना को आने पड़े आम दाबी करुचु जहाँ इनक्वारी होती तथ्य गुड़िक आग लोक सामना को आसवा दरकार ये तथ्य गुड़िक आसे जना पड़ प्रकृत से मानसिक रोगी थे कहीं आज गोटे पुणी आसला पुलिस सूत्र खबर आसला कूड़े राउंड ये गुड़ी पाखे अधिक संख्यक जदिव से छटा था आधिक संख्यक से चाहते जबतियों भंडा भी भांग ये करते बड़े पगल लोक से थे अनेक लोक हत्या करता है कितु से देखा जा पुलिस ताकू धरी ना
ତାକୁ ଧରିଥିଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ଥିବା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପୋଲିସ ମାନେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ଯିଏ ବନ୍ଧୁକଟା ଧରିକି ରିଭଲଭର୍ଟାକୁ ଛଡ଼େଇକିରି ହାତରେ ଖେଳି ଖେଳିକିରି ଯାଉଥିଲା, ସେ ଲୋକ ହାତକୁ ରିଭଲଭର୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠିକାର ଥିବା ପୋଲିସ ଯିଏ ଯାଉ IAC ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନେ ଯାଇଥିବେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା, ସେମାନେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଜଣେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ କେବଳ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା TV ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛୁ, ତାକୁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ଆଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ଥିଲା ଗୋପାଳ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛେ, ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ସେଦିନ କିଏ ପକାଇଥିଲା? କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ 4-5 ଫୁଟ ଦୂରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ସେସ୍ ରହିଥିଲା ଅନ୍ୟ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ରିଭଲଭର୍ ଧରିକିରି ସେ ପାଖରେ ରହିବାର ଆକ୍ସେସ୍ ତାଙ୍କ ପହଞ୍ଚିଥିଲା? କିଏ ଡ୍ୟୁଟି ପକାଇଥିଲା? କେଉଁ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ପକାଇଥିଲେ ସେଦିନ? କି ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ? ଏକଥା ସାଧାରଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ନବ ଦାସ। ଏ ସମସ୍ତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ହେଉଛି ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆଡ଼ୁଆଳରେ ରହିକିରି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ କଥା ବା ଆସନ୍ତୁ ଇଏ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ କର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସି ଅତିମାତ୍ରାରେ ଭଲେଇ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତୀତରେ ଦେଖିଛେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଏକ ଅସାଧାରଣ କଥା। ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ବୋଲିକରି ସଜାଇବାର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ପାଗଳ ବୋଲିକରି, ହତ୍ୟାକାରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବାହାର ଲୋକ ନୁହେଁ, ହତ୍ୟାକାରୀ ପୋଲିସ ବିଭାଗର, ଅଥଚ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଏଇ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକକୁ ଆଧାର କରିକିରି କିଛି ନ କହିକିରି ମୁଁ ଆଚମ୍ବିତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ଉତ୍ତର ରଖିଦେଲେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିକିରି ସେ କେମିତି ସେଠିକି ଯାଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ? କିଏ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା? କିପରି ଭାବରେ ସେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ? ବନ୍ଧୁକ ସେ କେତେ ଦିନ ତଳେ ପାଇଲେ, କ'ଣ ପାଇଲେ, ରିଭଲଭର୍ ପାଇଲେ, ଦିନ ଆଗ୍ରହ 3 ଦିନ ଆଗ୍ରହ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକ ପାଆନ୍ତୁ ବା ନ ପାଆନ୍ତୁ ସେ ଗଲେ କେବେ ସେଠି? ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ମାନେ ଅଫିସର ଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲେ, ସେଠିକି ଗଲେ କେବେ? 4-5 ଫୁଟ ଦୂରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ବଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲୁ, ମୋର ସାଥୀ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଠାଉଛୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ, DG ପୋଲିସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି SP ପୋଲିସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଠିକାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଯିବା ପାଇଁ ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏବଂ ତାର ଭିତରେ ଆମର ଦାବି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ, କୌଣସି ପ୍ରହସନ ଆଉ ଅଧିକ ନ କରି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଏ କଥା ଆଜି କହିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ